Hello friends, welcome back to my channel. How are you all? I am fine and I hope you all will be fine there. Today we are going to drop our sister-in-law and her children to the airport, so we are getting ready. मेरी sister-in-law और kids मेरे भाई विकास के पास अबू धाबी जा रहे हैं और उनकी मॉर्निंग की 5 बजे की फ़्लाइट है, तो इसलिए हम 9 बजे निकल जाएंगे क्योंकि वहाँ जाके कोरोना टेस्ट भी करवाना है और उसकी रिपोर्ट भी लेनी है। तो 2 आवर्स तो वैसे ही लग जाएंगे और रोहिणी से एयरपोर्ट जाने के लिए भी 2 आवर्स लग जाते हैं, तो इसलिए हम 9 बजे ही निकलेंगे। देखिए, आना और रियांश तो रेडी हो चुके हैं और मेरी सिस्टर इन लॉ भी रेडी हो चुकी है और हम सब लोग डिनर कर चुके हैं क्योंकि हमने एयरपोर्ट जाना है उनको ड्रॉप करने के लिए। और फ्रेंड्स, आज मेरी सिस्टर इन लॉ ड्राइव नहीं करेगी, आज मेरे हस्बैंड ड्राइव करने वाले हैं क्योंकि फिर एयरपोर्ट से गाड़ी को वापस भी लेके आना है, इसलिए मेरे हस्बैंड भी हमारे साथ जा रहे हैं। तो बस अब हम निकलने ही वाले हैं। फ्रेंड्स देखिए, हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और हम घर से 9 बजे निकले हैं ताकि हम लोग एयरपोर्ट पर टाइम से पहुँच जाएँ क्योंकि और भी प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं एयरपोर्ट पर। तो रोज घूमता ही रहता है, तुझे भी मौका मिल ही गया बाहर जाने का, एयरपोर्ट जाने का। एयरपोर्ट जगह भी कितनी अच्छी है साकेत, अभी सभी जाएंगे। बेटा पढ़ाइयों के बारे में भी सोचना है, नहीं सोचना और घूमेगा तभी जब लाइफ में कुछ करेगा ना। बस सपने देखने के लिए कुछ एफर्ट डालने ही डालने हैं क्या? हाँ तुम किसको चुप बोल रही हो मिस? है मिस? पहली बार दुआ को चुप करा रही है। मैं तो कुछ बोल नहीं रही, मुझे थोड़ी। फ्रेंड्स, हम लोग एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पे पहुंच गए हैं। घर से हम लोग 9 बजे निकले थे और यहाँ पहुँचते हुए 11 बज गए हैं। ऑलमोस्ट 2 आवर्स तो लग ही गए हैं और अब मेरी सिस्टर इन लॉ एयरपोर्ट में कोरोना टेस्ट करवाने गई हुई है और वो उसकी रिपोर्ट भी लेके आएगी। तो फ्रेंड्स, हमें 1.5 आवर्स तो एयरपोर्ट के बाहर ही वेट करना होगा। तो देखिए, चलिए वेट करते हैं हम बाहर ही। हम लोग आना की मम्मी का गाड़ी में बैठ के वेट कर रहे थे, लेकिन आना गाड़ी में बैठकर रोने लगी, इसलिए हम लोग एयरपोर्ट के बाहर ही घूमने लगे। पहले तो आना को मेरे बेटे ने पकड़ा हुआ था, लेकिन वो उसके पास भी रोने लगी, इसलिए फिर बाद में मैंने उसे काफ़ी देर घुमाया और हम 1 घंटे तक एयरपोर्ट पे घूमते रहे। आप देख सकते हैं, हम लोग काफ़ी देर से एयरपोर्ट के बाहर वेट कर रहे थे आना की मम्मी का, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि आना की मम्मी एयरपोर्ट में कोरोना टेस्ट के लिए गई हुई थी और साथ में रिपोर्ट भी लेके आनी थी क्योंकि विदाउट कोरोना टेस्ट तो एयरपोर्ट के अंदर एंट्री नहीं है।
तो फ्रेंड्स इसलिए हम बाहर वेट कर रहे थे, लेकिन बाहर बहुत देर तक गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, इसलिए हमें 1 किलोमीटर दूर जाकर गाड़ी को खड़ा करना पड़ा। और देखिए अब हम वहीं पर ही घूम रहे हैं। इसकी मिनट में खड़ा गया। हाय फ्रेंड, हम लोगों को ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स तो वेट करना ही था, तो हमने सोचा यहाँ पर कितना सुंदर पार्क है, चलो इसकी पिक्स ली जाए। और वैसे भी यहाँ पर वीडियो बनाने वाला इन्वायरमेंट था, तो हमने सोचा यहाँ की वीडियो बनाई जाए, क्योंकि है ही इतना सुंदर कि मन नहीं माना और हमने यहाँ की वीडियोस भी बनाई। आप लोग इस वीडियो में देखेंगे कि रियांश तो एयरपोर्ट के बाहर कितना एंजॉय कर रहा है, लेकिन उसकी सिस्टर आना अपनी मम्मी के बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं फील कर रही है, आप देख सकते हैं। लेकिन वो मेरे साथ फैमिलियर हैं, क्योंकि मैं घर पे आती रहती हूँ, तो इसलिए वो मेरे साथ तो फिर भी रह लेती है। अब आना की मम्मी भी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट लेके आ गई है, और अब हम उन्हें छोड़ने एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हैं। फ्रेंड्स अब उनका फ्लाइट पकड़ने का टाइम आ गया है, आप देख सकते हैं। पीछे यहाँ खड़ा कहाँ जा रहा है, यहाँ खड़ा ज्योति, यहाँ के तक छोड़ के तो आ सकता है ना, यहीं तक जा सकते हैं, हाँ गेट तक चलो, आगे तो चलो, जाओ तुम भी छोड़ो, मैं एक जाने तो खड़ा होना जरूरी है यहाँ पे, जल्दी छोड़ के आना को पता गाड़ी आना, टाटा कर दो बाबू, बुआ को टाटा करो, सबको अरे वहाँ तक तो आना है, हो गया क्लियर वहाँ सब, और चेक कर लो कोई रहने का फोन भी ले लिया, अच्छी बात है जल्दी जा। आना आना, बाय बोलो, बाय मुझे बाय बोलो, फ्रेंड्स अब हम लोग उनको ड्रॉप करके घर निकल रहे हैं। तो रास्ते में दिल्ली कैंट पड़ता है, और मैंने बहुत सुना है कि दिल्ली कैंट में एक ऐसा रास्ता भी है जहाँ पर चुड़ैल रास्ता रोकती है, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चलो हम भी उसी रास्ते से चलते हैं, और मैं आज एक हॉन्टेड ब्लॉग बनाती हूँ। पर फ्रेंड्स हमें पता ही नहीं चला कि वो कौन सी रोड है, मुझे तो हर रोड ऐसी ही लग रही थी रात को, जैसे सुनसान सी सड़क होती है, और मुझे वो हर रोड हॉन्टेड ही लग रही थी। फ्रेंड्स हमें हॉन्टेड रोड तो मिली नहीं, और ये भी नहीं पता चला कि हम हॉन्टेड रोड पे ही हैं कि नहीं हैं। लेकिन अगर आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ।